एशिस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, पछताओगे आज सभी के जुबान पर है, हर कोई इसे गा रहा है, रो रहा है, एक नई जो चाम होता है कभी भी कोई गाने के बाद जो फीमेल वर्जन हो या कुछ, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारे साथ कि पहला बहुत बड़ा ही, सो क्या कुछ फील कर रही थी पहले मुझे ये बताइए। एक्चुअली जब आपने बिल्कुल सही कहा, जब भी कोई वर्जन करना होता है तो डेफिनेटली बहुत प्रेशर होता है कि पहले वाले के साथ मीटअप करना है, एक्सपेक्टेशंस लोगों को ज्यादा होती है, देयर इज अ डेफिनेट कंपैरिजन जो होता है दूसरे वर्जन के साथ। बट आई थिंक हमने इस वर्जन को बिल्कुल एक नए गाने की तरह ही ट्रीट किया है, लाइक म्यूजिकली वी हैव एडेड अ लिटिल बिट ऑफ लाइक बीट्स सो दैट पीपल कैन डांस अलोंग इट, और वीडियो में भी हमने बिल्कुल नया कंसेप्ट यूज किया है। नोरा हैज डन अ ग्रेट ग्रेट जॉब एंड द डायरेक्टर ऑल्सो रजत देव हैज शॉट एन अमेजिंग वीडियो। वोकली मैं कहूँगी कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आया ये गाना करके, बिकॉज आई एम अ बिग अरिजीत सिंह फैन और उनके गाने में वैसे ही गाती रहती हूँ, मतलब मैं पछताओगे ऑलरेडी अपने शोज पे गाती थी, अब खैर अब अपना गाना हो गया तो अब उस हिसाब से गाऊंगी। बट या आई एम अ बिग फैन ऑफ अरिजीत सिंह और उनके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड तो मैंने कहा चलो साथ में नहीं तो एक अलग से वर्जन कर देते। So, क्या आज की आज अगर म्यूजिक की बात हो तो क्या आज बड़ा बड़ी वैरायटी आ गई है लिसनर के पास, रैप है, पॉप है, काफी तरह की म्यूजिक है, तो उसके बीच में कहा जाए आशीष खुद को बनाए रखने के लिए क्या, मतलब क्या इम्पोर्टेंट होता है किसी एक सिंगर के लिए? आई थिंक म्यूजिक वही चलता है अगर आप उसे दिल से करें, और जब भी आप दिल से कुछ करते हैं तो डेफिनेटली वो लोगों के दिल तक पहुंचता है और उसको एक जगह मिलती है अलग से। मेरा तो यही मानना है कि अगर मैं जो गाने मेरे दिल के करीब होते हैं या मुझे दिल को छूते हैं पहली बार सुनने पर, आई डेफिनेटली डू देम और लोग मतलब उसे बहुत प्यार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पछताओ की बात हो रही तो जरा मुझे दो लाइनें हमारे लिस्ट जो व्यूअर्स के लिए सुना दीजिए प्लीज। जी मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे, सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोल ना देवी, बूहे किसे होर ले तू खोल ना देवी, शायर जाने नू जरूर लाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। Wow, nice. वही अरिजीत का जो चार्म था मेल वर्जन में वही आपका चार्म सेम फीमेल वर्जन में है, उसके लिए एक रैप होता है जो आपने गाना गाया। और thank you so much. जी बात हो तो करीब दो साल में आपकी लाइफ काफी बदल गई, करीब डेढ़ दो साल में, मतलब जी क्या कुछ बदल गया कि एक पहले गाने से लेकर ये पछताओ तक क्या बदल गया आपकी पर्सनली अगर बात की जाए तो? पर्सनली एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा कि दो साल के जो ये जो पीरियड था वो बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए, प्रोफेशनली भी मैं कहूँगी, बिकॉज एक के बाद एक बहुत अमेजिंग गाने आए, तेरे बिना आया सिम्बा से एंड अखलर जावे फ्रॉम द लव यात्री और वे माही केसरी से, तो काफी मतलब अच्छे गाने मुझे गाने का मौका मिला है। मैंने अलग से सिंगल्स भी किए किसी और नाल, वंगा कालियां, बात नहीं करनी, तो ये पर्सनली देखो प्रोफेशनली तो आप सबको पता ही है कि इतने सब गाने आए, बट पर्सनली मैं ये कहना चाहूंगी कि अब मैं ज्यादा बहुत बिजी हो गई हूँ और शोज के लिए ट्रैवल करते रहते हैं और एक एक दिन में दो दो तीन तीन डबिंग्स होती रहती हैं, तो दैट इज रियली अमेजिंग। पर्सनली आई एम वेरी बिजी और ये लॉकडाउन हुआ है तो थोड़ा मुझे टाइम मिला है घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का, बट इससे पहले आई वॉज लाइक ट्रैवलिंग ओनली, बट इट हैज बीन एन अमेजिंग जर्नी और लोगों का प्यार जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत मिला है मुझे इन दो सालों में। जी आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी जितनी जो हमने नोटिस करी, क्योंकि हम हमेशा सिंगर्स या एक्टर्स उनके आसपास हमेशा मिलना जुलना जो बातें हो, आपकी सबसे एक साफ एकदम सुथरी क्वालिटी ये है कि आप कभी हेडलाइन किए पाने के लिए या कुछ ऐसी ये कोई चीजें आपके साथ होती नहीं है, बड़े क्लियर होती है आप अपने थॉट्स को लेकर, ये अप्रिशिएटेबल है आपका। सो अगर आज के म्यूजिक की बात हो, जी आपने हाल ही में गाना किया था मखना सुशांत के साथ जी, जो काफी मेमोरेबल हो चुका है, आज सुशांत हमारे बीच नहीं है, सो क्या कुछ कहना चाहती हैं आशीष, क्या मतलब क्या कभी आपकी उनसे कुछ मतलब क्या कुछ बॉन्ड रहा है आपका? एक्चुअली जो मैंने पहला गाना गाया था सुशांत के लिए वो था जानिसार, केदारनाथ उनकी फिल्म थी, और उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आपकी आवाज में जादू है,
तो वहां से हमारी एक्चुअली बात शुरू हुई थी. एंड मुझे मतलब इतनी सहजता से वो बात करते थे, मतलब कभी लगा ही नहीं हम किसी स्टार से बात कर रहे हैं या वो बहुत मतलब बड़े हीरो हैं और इतने हिट फिल्म्स दिए उन्होंने. और इतने प्यार से वो सभी फैंस से भी बात करते, सभी जी फैंस के साथ जिस तरह से उनका बात करने का तरीका होता था, सबको रिप्लाई करना, आई थिंक एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सहज इंसान की निशानी है वो. और मुझे बहुत दुख है कि आज वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है. बट जितने भी मैंने दो गाने उनके लिए गाए हैं वो बहुत दिल के करीब हो चुके हैं, लोगों को बहुत पसंद हैं. और अब जी वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम से ही जाने जाते हैं. आई विश आज वो हमारे साथ होते, बट जो ये हुआ है अब किसी का मतलब इसमें कुछ कर नहीं सकते हम. बट या एग्जैक्ट आई रियली एग्जैक्ट मिस हिम. सो अगर बात हो सुशांत की तो आप उनके ट्रिब्यूट में कुछ सुनाना चाहेंगी हमें उनके लिए? प्लीज तो आई थिंक दानिसार मैं गाती हूँ उनके लिए, बिकॉज प्लीज वही गाना था जिससे पहली बार हम दोनों की बात हुई थी. दो लाइंस सुशांत के लिए और सभी उनके फैंस के लिए. न मारेगी दीवानगी मेरी, न मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी. जानसार है जानसार तेरे प्यार पे मेरे यार, जानसार है. हो एक खूबसूरत ट्रिब्यूट, एकदम प्यारा सा, जो कि जी बहुत ही हाँ जी अच्छी। आज आज म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी एक कहा जाए फेरबदल हो चुका है, कोई मतलब एक अलग का कोई क्लासिकल को साथ लेकर चल रहा है कोई इसे, और काफी मतलब एक तना तनी भी हो गई है। उसे किस तरह एज अ सिंगर देखती हैं? एक्चुअली मैं ये जरूर, हाँ आप ये जरूर कह सकते हैं कि आजकल वेस्टर्नाइज्ड हो गया है हमारा इंडियन म्यूजिक बहुत ज्यादा. एंड इट एग्जैक्टली इज बहुत ज्यादा मतलब वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है. और मोस्ट ऑफ आवर सॉन्ग्स में गिटार्स होते हैं. लाइक हमारा जी क्लासिकल म्यूजिक वीणा और सारंगी और सितार इन सब पर बेस्ड है. बट ये चेंज एक्चुअली हर थोड़े टाइम के बाद आता है. आई थिंक मे बी अब थोड़े टाइम के बाद वी विल मूव टूवर्ड्स क्लासिकल म्यूजिक. एंड वो क्लासिकल जो होता है ना शास्त्रीय संगीत वाला जो एक रूहानियत होती है वो सब आएगी गानों में. बट राइट नाउ थोड़ा वेस्टर्नाइज है और लोगों को मजा भी आ रहा है. और जैसे जैसे लोग अपना टेस्ट चेंज करेंगे और नए गाने उन्हें सुनने को मिलेंगे, दे विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द अनदर चेंज आल्सो. एग्जैक्टली हमारे सिंगर्स हैं ही इतने टैलेंटेड कि नई नई चीजें हमेशा हमारे लिए लेके आते रहते हैं। खैर अर्शित, जी जाते जाते आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या खास हमारे लिए लेकर आ रही हैं आप आने वाले दिनों में? जी मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप सब अपना ख्याल रखिए. ये जो पैंडेमिक चल रहा है अभी, इससे भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अपने जितना हम खुद अपने लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, उतना एग्जैक्टली सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए हम काम करें. और पछताओगे को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. और दो गाने मेरे नए और आ रहे हैं अगस्त में. ओके एक एक एल्बम है जस मानक की, नो कंपटीशन, उसमें एक गाना है मेरा दैट इज रिलीजिंग ऑन 19th of August. एंड देयर ओके इज वन मोर सॉन्ग रिलीजिंग ऑन 28th of August एंड व्हिच इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल आर्टिस्ट. इससे ज्यादा मैं अभी वाओ नहीं बता सकती आप सबको. बट यस ये दो गाने इस महीने में मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ. जैसे आपने पछताओगे को इतना प्यार किया, प्लीज बाकी सब गानों को भी इतना ही प्यार दीजिए. बेशक वही प्यार मिलेगा आपको जी हमेशा की तरह। और थैंक यू सो मच टॉकिंग अस, और थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत इतने अच्छे गाने हमारे बीच लेकर आने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये सिचुएशन जी ठीक होगी और हम आमने सामने बैठकर गाने गाने जी सुनेंगे, बातें करेंगे और ये पेंडेमिक सिचुएशन पहले की तरह पूरी तरह खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग।
फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।